संतों की नगरी में हम घूमते हुए भ्रमण करते हुए आके वातावरण का आनंद लेते हुए आइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखो श्री रामचंद्र जी का विशाल धनुष। तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ श्री राम जन्म की पवित्र नगरी श्री अयोध्या जी में और बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ पर आके। तो गाइस फिलहाल हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी, फिर जाएंगे हम रामलला के दर्शन करने के लिए, कनक भवन जाएंगे और बहुत सो मैनी। गाइस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, हम आपको अयोध्या की नगरी के बहुत अच्छे दर्शन कराएंगे। तो अगर आप नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल मत जाना। सारे फ्रेंड्स हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आए थे हमारे धर्मशाला से, ये रहा हनुमान जी गेस्ट हाउस हनुमानगढ़ी है 2 किलोमीटर उसे ई रिक्शा से और किराया है 10 रुपये पर पैसेंजर। ठीक है, आ गया जैसे सेट हो गया भाई। जय श्री राम, आज कुछ नहीं करा, जय श्री राम, जय श्री राम। सो आए थे, हम पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी मंदिर और सामने हनुमानगढ़ी मंदिर आ चुका है हमारा। सो गाइस ये है हनुमानगढ़ी वाली रास्ता, गाय दम बढ़ते हो हनुमानगढ़ी मंदिर की ओर। सामने रहा हनुमानगढ़ी मंदिर, ये मंदिर है और बहुत सुंदर लग रहा है और काफ़ी पुलिस भी खड़ी हुई है सिक्योरिटी के लिए। चलो तो गाय ये हनुमानगढ़ी मंदिर वाली रोड, ये हनुमानगढ़ी वाली मंदिर वाली रोड है और सामने रहा हनुमान जी का हनुमानगढ़ी मंदिर। ये देखो गाइस कितनी लेन जो है कितनी हैपनिंग लग रही है, कितनी अमीर, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। क्या वाइब आ रही है, सच्चा ब्यूटीफुल वाइब। हम अयोध्या नगरी में एंजॉय करते हुए, क्या बात है अयोध्या नगरी की। जो ये लिया हमने प्रसाद 50 रुपये का श्री ओम मिष्ठान भंडार की दुकान से। टाइम हो गया तो आपकी दुकान को 80 साल। तो गाइस जहाँ से हमने पेड़ लिए इनकी दुकान है 80 साल पुरानी, डू यू बिलीव इट। जय श्री राम, जय श्री। सो गाइस यहाँ से शुरू होती है श्री हनुमानगढ़ी मंदिर की सारी सीढ़ियाँ। आप देख सकते हैं कितना भव्य, कितना विशाल लग रहा है मंदिर। जय श्री राम, जय हनुमान जी, ओम हनुमते नमः। देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू, ये देखो इधर से देखिए आप, ये देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, कितना विशाल लग रहा है यार। कैमरे इतना समय नहीं आ रहा नहीं रियल में तो। गाय जी हमारा बड़ा सौभाग्य है यहाँ पर हम आ पाए श्री हनुमानगढ़ी में और आपको भी हम दर्शन करा पा रहे हैं। तो आप घर बैठ के दर्शन कीजिए और मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी शांति यहाँ पर। कैसा लग रहा है हमारे आके? बहुत मजा आ रहा है भाई, काफ़ी सौभाग्य वाली बात है ना यहाँ पर आ पाए। जो सारी हनुमानगढ़ी की सीढ़ियाँ हैं, जो सारी आपको दिखा रही है, ये 76 से 76 सीढ़ियाँ हैं। जय श्री राम, जस्ट आपके सामने है। हाँ बस यहीं पर हनुमानगढ़ी मंदिर, यहाँ पर है हनुमान जी, देख सकते हो कितना सुंदर मंदिर है। जस्ट अभी हमारे प्रसाद चढ़ दिया और हमने दर्शन भी कर लिए हनुमानगढ़ी के, बहुत ही अच्छा लगा। चारों तरफ का मंदिर का ये है हनुमानगढ़ी मंदिर। सो भाई आशा करता हूँ आपने दर्शन कर लिए होंगे और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कितना सुंदर मंदिर है, कितना विशाल मंदिर है, कितना अच्छा लग रहा है, बस क्या ही बताएं। सो भाई ये हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर जाने का रास्ता। सच में मन प्रसन्न हो गया आज हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करने का। पेड़े की, लड्डू की, फूल मालों की दुकान है भाई, सारी की सारी, आई रिपीट, सारी की सारी येलो कलर से पेंट हुई है, बहुत सुंदर लगती है सारी की सारी येलो कलर से, कितना अच्छा लगता है देख के। प्रसाद पॉलिसी में करा लिया गाइस, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। यहाँ पर परिंदा भी पन्नी मार सकता है लिटरली, बहुत सिक्योरिटी टाइट है गाइस। ये सारा का सारा आपके सामने देख सकते हैं, यह सारा हनुमान मार्केट। गाइस हम चलते हुए श्री राम जन्मभूमि की तरफ
और जहाँ तक हो पाएगा हम वहाँ तक आपको दर्शन करा देंगे, वरना वहाँ पर कैमरा में कुछ अलाउ नहीं है। सो गाइस, ये रहा दशरथ महल। दस महल से लेफ्ट को रास्ता कट रही है राम जन्मभूमि जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर बाद में आएंगे, पहले जाते सारे लोग हमारे आगे चले गए। बिल्कुल आकर में जमा कराइए, राम मंदिर के अंदर नहीं जाएगा। हम राम जन्मभूमि को जा रहे हैं, राम जन्मभूमि में कुछ भी अलाउ नहीं है, कुछ भी अलाउ नहीं है। मुझे कैमरा रख के जाना पड़ेगा और जब मैं लौट कर आऊँगा तो बताऊँगा एक्सपीरियंस कैसा था। मैं खुद दर्शन करके आऊँगा, ठीक है। आप बने रहें, कैमरा रखना पड़ेगा। सॉरी, घड़ी बड़ी बेल्ट बेल्ट सब कुछ, मोबाइल वगैरह बेल्ट बेल्ट सब भाई। हमने श्री राम जन्मभूमि के दर्शन कर लिए, इतने अच्छे दर्शन हुए, बिल्कुल भीड़ नहीं थी, इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने बढ़िया दर्शन तो शायद जैसे प्रधानमंत्री जी को हुए थे ना, बिल्कुल वैसी भी लगा। बहुत अच्छा लगा, इतना मन शांत हो गया। अगर मैं टाइमिंग बता दूं, टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, बट दोपहर में 11 से 2 बजे तक 3 घंटे मंदिर बंद रहता है, बाकी सुबह 7 से लेकर शाम को 6 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। गॉट इट। और जय श्री राम। और यहाँ से ऐसा कुछ दृश्य लगता हुआ चारों तरफ, और राम जन्मभूमि यहाँ जाके सीधे उधर जाके, और हमारे इन सब दोस्त लोगों ने भी भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं श्री राम जन्मभूमि के, इनसे मुझसे इनका एक्सपीरियंस। हमारी आत्मा तृप्त हो चुकी है, जिस साल की मैं 1500 तपस्या कर रहा था मैं दर्शन करने पे राम के, उसके आज मुझे बहुत तृप्त है, मेरी आत्मा बिल्कुल पवित्र हो गई भाई, हमारा मन संतुष्ट हो गया यहाँ आके, बिल्कुल अयोध्या में आके बहुत 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 खूब लगा यहाँ। गाइस, इस मंदिर का नाम है अवामा राम मंदिर। कितना सुंदर मंदिर है, देखो वहाँ तक क्या बात है, बहुत बहुत स्वादिष्ट लगता है मुझे। गाइस, बहुत सुंदर मंदिर है, जब भी अयोध्या आओ इस मंदिर जरूर आना। गाइस, हम उस मंदिर के छत पे आ गए, कितना विशाल। और ये जय श्री राम, ये देखो श्री रामचंद्र जी का धनुष इतना बड़ा। जय श्री राम। बस चलते हैं, शाम का समय हो चुका है और जैसे शाम बढ़ रही है वैसे वैसे थोड़ी भीड़ भी और बढ़ रही है, आप देख सकते हो अयोध्या नगरी में। आप इस वीडियो में लाइक से बने रहे, आपके वीडियो अच्छे लगे लाइक करना। लाइव अयोध्या की नगरी में हम घूमते हुए, भ्रमण करते हुए और यहाँ के वातावरण का आनंद लेते हुए, क्या बात है। आइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप घूम रहे होंगे और आपको भी आनंद आ रहा होगा जितना आनंद हमें आ रहा है। कई लोग, कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियां हैं। शिवन कुमार जी, विष्णु जी के हमारे हाथ में दर्शन चक्र, क्या बात है। और भाई, ये सुंदर सी मार्केट पड़ती है श्री राम जन्मभूमि की ओर जाते हुए, इतना प्यारा रास्ता है, कितना सुंदर लग रहा है, देख सकते। जय हनुमान जी। और ये हमारी दुर्गे माता, काली माता, जय जय माता, जय माता, जय श्री राम, जय श्री राम। एक टीके के ऊपर दूसरा टीका और लेजेंडरी विले टीका। आप जब अयोध्या में है तो टीका लगा तो क्या लगेगा। सो गाइस, ये हम आ चुके हैं दशरथ महल में, आपको दिखाते हैं दशरथ महल। अगर अंदर कैमरा ले जाना अलाउ होगा तो पक्का दिखाएंगे हम। गाइस, ये है आपके सामने इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना सुंदर दशरथ महल। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और शाम के टाइम तो और प्यारा लग रहा है। दशरथ महल के चारों तरफ का आपको व्यू दिखाते हैं एक बार में। ये देखिए चारों तरफ का व्यू, ये देखिए, ये देखिए। गाइस, ये लिखा है श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल। गाइस, हम आपको लिए चलते हैं राजमहल के अंदर। यहाँ से आने का गेट है, आप देख सकते हैं जा रही है सामने, यहाँ पे जाके राजमहल, राजा दशरथ जी का घर। भाई सोच, मतलब राजा दशरथ जी यहाँ पर रहते होंगे, मतलब सोच के कितना अच्छा लग रहा है कि भगवान राम दशरथ यहाँ पर रहते होंगे, मतलब इतनी सुंदर जगह पे रहते होंगे, यहाँ पर रहते होंगे लिटरली। यहाँ मतलब चलो लिए चलते हैं आपको अंदर। ये है राजा दशरथ महल।
ये देखिए जय श्री राम जय श्री राम। ओ गाइस कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है और कितना बड़ा लग रहा है। ये देखो चारों तरफ देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ दशरथ महल के दर्शन कर रहा हूँ आपको मैं अयोध्या नगरी के। भगवान कृष्ण 16 कला से ये देखिए भाई प्रॉपर ये है दशरथ महल। मैं आपको पूरे अच्छे से बहुत सुकून के साथ दर्शन करा रहा हूँ। ये देखो सारा दर्शन कर रहे हैं, कितने पास से दर्शन करा रहा हूँ आपको। तो भाई दर्शन मिल गए, दर्शन कर लिए हमने और आपको करा दिए, आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। गाइस मंदिर के चारों पंछी ऐसे उड़ रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। गाइस तो चलते हैं हम कनक भवन की ओर, आपको कनक भवन के दर्शन कराते हैं। गाइस कनक भवन तो चल ही रहे हैं लेकिन फिलहाल हमें इतनी सुंदर सी जगह दिख गई, इतना महल सा दिख गया, ऐसे लग रहा है जैसे किसी जयपुर के बहुत बड़े महल में आ चुके हैं हम। ये देखो चलो चलते हैं हम कौन से भवन पे, कनक भवन पे। ये दशरथ महल और ये सामने प्यारी सी जगह।